आज है सेकेंड डे और हम लोग निकल चुके हैं मेहरानगढ़ किले की तरफ। अभी देखते हैं यहाँ पे कोई रिक्शा मिल नहीं रही है तो थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। एंड आज हमारा चेकआउट था बट होटल के लोग इतने अच्छे हैं, उन्होंने बोला आप सामान रख के जाओ एंड घूम फिर के वापस से यहाँ से सामान लेके जाना। तो हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं एंड यस देखते हैं रिक्शा मिल जाए तो। लिफ्ट ली थी तो हमको टॉप पे इधर लेकर आए हैं एंड बहुत मस्त व्यू है, अंदर कुछ बज भी रहा है। सही है, देखते हैं जाकर। यहाँ पे इस साइड पे इतना नहीं है बट यहाँ पे ये इतना एरिया पूरा ब्लू है एंड उधर भी कोई झील है। एंड वो है उम्मेद पैलेस और रिक्शा वाले भैया ने बोला था कि वहाँ पे अभी भी लाइक यहाँ के रॉयल्स जो है वो जाते हैं एंड यहाँ से घंटाघर भी साफ दिख रहा है, वो रहा सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। फिर तो मतलब मिरर्स वगैरह से डेकोरेशन किया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सब कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किए हैं और कलरफुल लाइक मिरर्स हैं। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे कैंडल्स जलाते थे जिससे कि ये पूरा जो है वो रिफ्लेक्ट कर करके रोशनी देता था। क्या दिमाग था पहले के लोगों में, वाओ। आप
देख सकते हैं फूल महल, ये जो था ये महाराजा के प्राइवेट ऑडियंस के लिए था। एंड ये यहाँ पे महाराजा अभय सिंह जो थे वो यहाँ पे बैठते थे एंड प्राइवेट फंक्शंस यहाँ पे रखते थे, प्राइवेट लोगों के लिए था। एंड वो जो पीछे कलरफुल ग्लासेस है वो जो है मस्त एकदम सनलाइट से मस्त लग रहे थे। एंड ऊपर भी बहुत मस्त गोल्ड वर्क किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर 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 है। देखो यार कितना सही लग रहा है अंधेरे में। ये आई गेस प्ले रूम है क्योंकि यहाँ पे चौपाट रखा हुआ है, पुराने जमाने का लूडो। फिर हमारे गुजराती में तो इसको चौपाट बोलते हैं, बाकी कमेंट करना आप लोगों के वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको। मेरे पीछे तलवार वीडियो में तो छोटी लग रही है बट ये बहुत बड़ी है एंड भारी भी दिख रही है, इतनी बड़ी तलवार उसको लड़ते थे पहले। एंड इस तरफ भाले भी देखो यार कितने बड़े हैं, बहुत दमदार थे पहले के। देवकुंड जिसमें आप जा नहीं सकते, प्रोहिबिटेड है। ये गार्डन है, सो ये सारी समाधियां हैं।
मस्त जगह है, बहुत मस्त। यहाँ पे ये पीछे पूरी पूरा सिटी दिख रहा है। एंड अभी हम जाते हैं ऊपर, ये है उसमें जाते हैं। चलिए, गार्डन है ये बड़ा मस्त मस्त सा, और ये पीछे है, बट आई डोंट थिंक इसके अंदर हमको जाने देंगे क्योंकि कोई जा तो रहा नहीं, बंद बंद है। बट ठीक है, देखते ऊपर चल के देखते क्या है क्या नहीं, है ना। देख रहे हैं ना, ये थाली वगैरह है, कलश वगैरह है। एंड यहाँ पे रोज़ सुबह पूजा होती है, यहाँ पे जसवंत सिंह जी जो यहाँ के राजा थे उनकी पूजा की जाती है। तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत शांति है, एकदम ठंडा ठंडा सा है। एंड यहाँ पे भी है, ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पूजा होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पूजा होती है। एंड बाहर सबकी समाधि वगैरह रखी हुई है, ये मतलब ऐसे शमशान है यहाँ का ऐसा। तो ये सब चलते हैं बाहर। जोधपुर को जो है, सॉरी गांव नहीं है, जोधपुर में एक बाबा ने श्राप दिया था जिसके कारण यहाँ पे बहुत सूखा हो गया था। तो जो किसान लोग थे उनको फसल वगैरह उगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए राजा ने ये महल बनाया जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। कि होटल का वीडियो चल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गूगल इसकी जो होटल है वो पार्शियली जो है ताज होटल जो है वो मैनेज करती है, बट आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं, तो आप चेक कर लेना, है ना। Oh,
बहुत मस्त मस्त ग्लास और सारे जग वगैरह और पिक्चर्स वगैरह। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारी ट्रॉफीज है जो यहाँ के रॉयल्स ने जीती है पोलो गेम में। ये सब ग्लास है मतलब मिरर वर्क है इन सब पे। वाओ, तुझे ऐसी डेस्क मिल जाए तो, तुझे ऐसी डेस्क मिल जाए तो मजा मजा ही मजा। यहाँ के रॉयल फैमिली की फोटोज। ताले मुझे इतने मस्त लगे ना यार, अभी हमारे पास भी इतनी अच्छी डिजाइन के ताले नहीं है जितने इन लोगों के पास थे। ये देखो नहीं ये तो सिंपल है। बारे में बताता है कि स्टॉर्मी वेरी। हाँ ये वेदर रिपोर्ट के साथ साथ घड़ी है। एंड दिस यार ये तो कुछ अलग ही है, टेम्परेचर के साथ है पूरा अलग। महीना डे डेट ईयर टेम्परेचर वेदर सब टेम्परेचर वेदर एंड घड़ी सब कुछ ऑल इन वन। एंड ये प्लेट में है यार, घड़ी। एंड लुक एट दिस काश ये लोग मुझे अलाउ कर देंगे क्योंकि ये भी देखो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। वाओ म्यूजिक बॉक्स आते हैं ना खोलते ही टेंट 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 बस तो वैसे ट्रेन इंजन इतने सारे इंजन है। ये वाली देखो ये अलग ही है एकदम, इसमें वीडियो में इतना नहीं पता चल रहा बट वो स्फीयर है। हुआ कार ये सब जो है मार पेटियां इस तरफ भी है और ये भी म्यूजिक वाली घड़ी है, खोलते ही म्यूजिक बजेगा शायद। एंड लाइट हाउस वाली घड़ी और ये सब मतलब मोस्टली घड़ी में ना मतलब वेदर रिपोर्ट भी है तो मतलब यार कितनी ज़्यादा लाइक टेक्नोलॉजी रही होगी उस टाइम पे मस्त वाली। चलो चलते हैं नेक्स्ट।
चेकआउट तो हमने ना सुबह ही कर लिया था 10 बजे, बट स्टिल इन लोगों ने ना हमारा सामान यहाँ पे रखने के लिए दिया था। एंड ये है पहाड़ी से ओम होटल। एंड यार लोग बड़े अच्छे हैं इस होटल, मुझे इनका कस्टमर सर्विस जो है बहुत पसंद आया। तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस होटल टू एवरीबॉडी। एंड बहुत हेल्पफुल भी है, बहुत हेल्प भी करते हैं। तो यस, अभी हम लोग गए थे शाम को, तो उन्होंने हमको एक रूम भी दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रेशन अप होने के लिए। जाते जाते हम लोग आ गए हैं अरोड़ा चाट भंडार में, एंड यहाँ की फेमस मटरी पालक चाट खा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा है। सारी ऐसी जगह है जो मतलब लोगों को पता नहीं है, जिसको घूमना बाकी है। हमको रिक्शा वाले भैया ने बताया था, तो आई विल कवर दोज प्लेसेस इन मतलब नेक्स्ट व्लॉग नहीं बोलूँगी, बट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तब। बट यार यहाँ के लोग अमेजिंग, जस्ट